कश्मीर से। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों की घेराबंदी की। सोपोर के सागीपोरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों की घेराबंदी की है, सोपोर के सागीपोरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सोपोर के सागीपोरा इलाके में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इलाके में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, 3 आतंकियों की घेराबंदी की है जानकारी मिल रही है। आतंकी 3 हैं। अजय जानियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है? अब सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जहां पर 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सोपोर का ये इलाका पड़ता है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और उसके बाद ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 2 पाकिस्तानी आतंकी और एक जो स्थानीय टेररिस्ट जो है इस इलाके में छुपा हुआ है, जिसके बाद यहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम वहां पे पहुंची और आतंकियों ने अपने आप को घिरा हुआ पाया, आतंकियों की तरफ से अचानक फायरिंग शुरू कर दी और उसी के बाद जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई है। रात का अंधेरा है, मगर उसके बावजूद सुरक्षा बल जो है बड़ी सतर्कता से इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि आतंकी यहां से भागने में कामयाब ना हो। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो लगभग 7 से 8 आतंकी जो हैं अलग अलग 5 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। और ये एक और वाकया जिसमें सुरक्षा बलों को इनपुट मिला, उसके बाद इस इलाके में घेराबंदी करके ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकियों का सफाया जो है जम्मू कश्मीर से करना है, ताकि शांति बहाली का जो सिलसिला जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसमें कोई खलल जो है वो ना डाली जा सके। बिल्कुल, इसके साथ ही कितने आतंकी छुपे होने की जानकारी मिल रही है और साथ ही अब कब से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब तो रात का वक्त है, क्या लग रहा है तमाम चुनौतियां होंगी ऐसे में सेना के सामने? देखिए, क्योंकि देर जो है दोपहर बाद जो इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी हैं, मगर एक स्ट्रेटजी के तहत जो है ऑपरेशन को शाम को शुरू करना था, क्योंकि इस चीज को सुनिश्चित करना था कि रिहायशी इलाका अगर है तो वहां पे कोई आम लोग जो है ना हो, और उसके बाद आतंकी जिस घर में छुपे हैं वहां आसपास के इलाके या जहां पे अगर कहीं जंगल में जंगल के आसपास हैं तो वहां से ये भागने ना पाए। तो पूरे सतर्कता से इस ऑपरेशन को चलाया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये इलाके से भाग ना पाए। 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, जिसमें 2 फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं और एक स्थानीय टेररिस्ट जो है होने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। चलिए, आप अजय हमारे साथ रहेगा, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को खबर दिखाएंगे। किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या का मामला सामने आया है। आतंकियों ने अगवा कर दोनों की हत्या की है। जंगल में मवेशियों को चराने गए थे दोनों, नजीर अहमद और कुलदीप कुमार थे दोनों के नाम। हत्या की सीएम उमर अब्दुल्ला ने कड़ी निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मामले को लेकर कड़ी निंदा की है। वन क्षेत्र में दोनों की नृशंस हत्या की निंदा की है। बर्बर हिंसा की घटनाएं जम्मू कश्मीर की शांति में बाधा डाल रही हैं। दुखी घड़ी में मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना, ये पोस्ट किया गया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 2 गार्ड्स की जो हत्या का ये मामला सामने आया है, इसको लेकर सरकार, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी पोस्ट किया गया है और संवेदना व्यक्त की गई है, लेकिन इस तरह से अगर हत्याएं हो रही, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो 7 लोगों की हत्या का मामला भी सामने आया था जिसमें टारगेट किलिंग का जिक्र हो रहा था, ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार के सामने बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल जो ताजा घटना है, ये किश्तवाड़ का एक कोंत्रा गांव पड़ता है जो किश्तवाड़ शहर से दूर दराज का इलाका है। जानकारी के मुताबिक वहीं के दोनों निवासी हैं और ये दोनों जो है अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए हुए थे, मगर ये दोनों जो है वो विलेज डिफेंस गार्ड भी हैं, यानी कि ग्राम रक्षा समिति जो रहती है उसके मेंबर हैं। और जानकारी के मुताबिक ये जब घर वापस नहीं लौटे तो इस चीज को लेकर घर वालों ने भी जो है वो चिंता जताई थी, मगर इसी बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन दोनों को आतंकियों ने अगवा किया हुआ था। नजीर और कुलदीप इनका नाम बताया जा रहा है। इन दोनों को आतंकियों ने अगवा करके अपने पास रखा और उसके बाद इनके हाथ पैर बांधकर, इनके आंखों पर पट्टी बांधकर इन आतंकियों ने इन्हें काफी देर तक बंधक बनाए रखा और उसके बाद इनकी हत्या जो है वो की जाने की जानकारी अब मिल रही है।
सुरक्षा बलों द्वारा उस पूरे इलाके में इस वक्त बड़े लेवल पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है ताकि इन दोनों के शवों की या इन दोनों का पता जो है वो लगाया जा सके। जो सूत्र बता रहे हैं दोनों को आतंकियों ने जो है वो इनकी हत्या की है, गला रेत कर इनको गोलियां भी दागी गई हैं। अब पूरे इलाके में कहीं ना कहीं इसी से रोष है और जानकारी के मुताबिक अब ताजा खबर जो है कि किश्तवाड़ में जो सनातन धर्म सभा है उसकी तरफ से कल किश्तवाड़ को बंद रखने की जो है वो इस हत्या के बाद जो है वो घोषणा की गई है और कल किश्तवाड़ बंद रहेगा जहां पर सनातन धर्म सभा की तरफ से प्रदर्शन जो है किया जाएगा क्योंकि यहां पर सिविलियंस किलिंग का मामला जो है एक बार फिर से गर्मा गया है। टारगेट किलिंग आतंकियों द्वारा की गई है। बिल्कुल अजय, अगर ये सिविलियंस किलिंग का मामला अगर इस तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देखे कई टारगेट किलिंग के मामले सामने आए और पिछले 2-3 साल का अगर आंकड़ा हम निकालते हैं तो वाकई ये नज़र आता है कि किस तरह से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। ये मौजूदा सरकार के सामने एक चुनौती है और इसको पार पाने के लिए इससे निकलने के लिए अब एक कदम उठाने की ज़रूरत है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं उनमें भी नाराज़गी देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो टारगेट किलिंग के वाकया हुए हैं, पहले शोपियां में 18 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद हमने देखा कि गांधरबल में जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर को टारगेट किया गया जहां पर 7 लोगों की हत्या की गई, उसके बाद इसी तरह से अलग अलग इलाकों में टारगेट किया गया, चाहे वो श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करके 12 लोगों को घायल करना हो या शुभम नाम के एक व्यक्ति को त्राल में निशाना बनाया जाना हो, ये तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही थी। उसी बीच एक नया वाकया किश्तवाड़ में हुआ है जहां पर 2 सिविलियंस को टारगेट किया गया है, उनको अगवा करके उनकी हत्या की गई है। ये साफ दर्शाता है कि आतंकी किस तरीके से बुखलाए हुए हैं और खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह से टारगेट किलिंग को अंजाम देने के प्रयास जो हैं जो किए जा रहे हैं उसके पीछे की मंशा साफ है, किसी भी तरह से आम लोगों के बीच में दहशत डाली जाए क्योंकि यही आम लोग जो है वो सुरक्षा बलों के लिए एक आंख कान का काम करते हैं, यही सिविलियन जो है वो सुरक्षा बलों को आतंकियों की जानकारी देते हैं। ऐसे में इनको टारगेट करके उनको उनमें दहशत पैदा करना इन आतंकियों की मंशा हो सकती है, मगर सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों और अन्य सुरक्षा बलों ने जो है इस पूरे इलाके में इस वक्त घेराबंदी की है और वहां पर तलाशी अभियान को तेज किया है ताकि इन दोनों को ढूंढ निकाला जा सके, इनके शवों को बरामद किया जा सके और उसके साथ साथ जो आतंकी इस हत्या में शामिल है उनका पता लगाया जा सके। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। अब बात करेंगे 370 की वापसी के प्रस्ताव